सुप्रभात बच्चों, आज वर्ग चतुर्थ को संस्कृत के चौथे अध्याय से बताने जा रहे हैं। इस अध्याय में है संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम। विद्यार्थी जीवन में जितने भी शब्द एवं शब्दार्थ याद करेंगे उसका लाभ अधिक मिलेगा। इसलिए शरीर के अंगों के नाम इस प्रकार है। हिंदी में आंख बोलते हैं लेकिन उसे संस्कृत में लोचनम कहते हैं। आंसू का संस्कृत अश्रु होता है। कान का संस्कृत कर्ण तथा श्रोत्रम भी होता है। अंगूठा का संस्कृत अंगुष्ठ होता है। नाक का संस्कृत नासिका या ज्ञानेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय भी होता है। अंगुली का संस्कृत अनुवाद अंगुल्य होता है। मुंह का संस्कृत मुखम या आस्यम दोनों होता है। उसी प्रकार चोटी का संस्कृत अनुवाद शिखा होता है। दांत का संस्कृत अनुवाद दसना होता है तथा दंता भी होता है। छाती का संस्कृत अनुवाद वक्ष होता है। जीभ का संस्कृत अनुवाद रसना होता है। नाभि का संस्कृत अनुवाद नाभि, ये हर्षिकार हो जाएगा संस्कृत में, नाभि हो जाता है। गाल का संस्कृत अनुवाद कपोला होता है एवं दाढ़ी का संस्कृत अनुवाद कुर्चम होता है। कंधा का संस्कृत अनुवाद अस्कंधा होता है। तो गला का संस्कृत अनुवाद कंठा होता है। गर्दन का संस्कृत अनुवाद ग्रीवा होता है। तो खून का संस्कृत अनुवाद रक्तम होता है। आइए ओठ, ओठ का संस्कृत अनुवाद ओष्ठ होता है। तो ऊपर का जो ओठ होता है उसका संस्कृत अनुवाद उत्तरोष्ठ होता है। दिमाग यानी ब्रेन, इसका संस्कृत अनुवाद मस्तिष्कम होता है। भौंह का संस्कृत अनुवाद भौं का संस्कृत अनुवाद भ्रु होता है। पेट का संस्कृत अनुवाद उदर होता है। कपाल का संस्कृत अनुवाद ललाटम होता है। सिर का संस्कृत अनुवाद मुंडम होता है। स्त्री का जो चोटी होता है उसका संस्कृत अनुवाद वेनी होता है, वेनी। हथेली का संस्कृत अनुवाद करतलम होता है। हाथ का संस्कृत अनुवाद करह होता है। हृदय का संस्कृत अनुवाद उरह होता है। तो हड्डी का संस्कृत अनुवाद अस्थि होता है। बाल जो है, बाल का संस्कृत अनुवाद केसा होता है। लेकिन अगर किन्हीं का बाल सफेद बाल है तो उसका संस्कृत अनुवाद पलितम होता है। अगर पसीना है तो पसीना का संस्कृत अनुवाद स्वेद होता है। पैर का संस्कृत अनुवाद पादा होता है। नाखून का संस्कृत अनुवाद नख होता है। मूछ का संस्कृत अनुवाद स्वमसुह होता है, स्वमसुह। इस प्रकार संस्कृत में शरीर के अंगों के नाम जो बताए गए हैं इसे आप लोग स्मरण कर ले। आप लोग अभी जूनियर क्लास में हैं, आप लोग को हमेशा शब्द और शब्दार्थ विशेषकर याद करना है। इसी से आप आगे चलकर संस्कृत में अनुवाद करेंगे, किसी भी वाक्य का संस्कृत अनुवाद आसानी से कर देंगे। तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि जितना हो सके अधिक से अधिक शब्द का शब्दार्थ याद करें। इसमें इसके साथ आगे फिर बताएंगे फलों के नाम संस्कृत में, सब्जियों के नाम संस्कृत में, फूलों के नाम संस्कृत में एवं
रंगों के नाम संस्कृत में बताएंगे, आप लोग यथाशीघ्र इसे स्मरण करते जाएं।